नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम जानेंगे विधानसभा की तरह पंचायतों की कार्रवाई के बारे में। लोकसभा और विधानसभा की ही तरह पंचायतों में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में कई नियम लागू होने वाले हैं। विधानसभा में जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं और उसके बाद जिस तरह से जवाब दिया जाता है, अब वही प्रक्रिया पंचायतों में भी शुरू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसको लेकर अब आदेश जारी किया जाएगा। बता दें कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायत की होने वाली बैठकों में उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब जो बात कही जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि पंचायती राज के माध्यम से चल रही योजनाओं के संबंध में प्रतिनिधि सवाल करेंगे, जिसका लिखित में उत्तर उन्हें दिया जाएगा। ऐसे में पंचायत के प्रतिनिधि यह जान सकेंगे कि उनके यहाँ चल रही योजनाओं की क्या स्थिति है। अगर कोई लंबित योजना है तो उसके बारे में भी वे जान सकेंगे। इससे पदाधिकारियों पर कार्य को समय पर हर हाल में पूरा करने का भी दबाव होगा। साथ ही साथ इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि पंचायती राज के अलावा अन्य विभागों के खास विषय पर प्रतिनिधि सवाल करें। हालांकि यह भी कहा गया है कि बाद के चरणों में इसको लेकर आदेश जारी किया जाएगा। शुरुआत में पंचायती राज विभाग से संबंधित की सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि निर्धारित बैठक के करीब 10 दिन पहले प्रतिनिधियों को अपना सवाल दे देना होगा, ताकि बैठक के दिन यह उनसे सवालों का जवाब संबंधित पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी और पंचायती राज सचिवों की होगी। जिला परिषद अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख और मुखिया पदाधिकारियों से सवालों का जवाब तैयार कराएंगे। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर की बैठकें होती है। इन बैठकों में निर्वाचित पंचायती प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दिए जाते हैं। बता दें कि जिला परिषद की बैठक इनके अध्यक्ष की अध्यक्षता में होती है, जिसमें जिले से संबंधित जिला परिषद सदस्य सवाल पूछते हैं। उसी तरह से पंचायत समिति सदस्यों के सवाल का जवाब प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में होती है। इसी प्रकार से पंचायत समिति सदस्यों के सवालों का जवाब प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में दिया जाता है। वहीं ग्राम पंचायत की बैठकों में मुखिया की अध्यक्षता में होने वाले 12 सदस्यों के सवालों का उत्तर इस बैठक में मिलता है। इस पूरे मामले को लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य भी सरकार की योजनाओं और कार्यों से संबंधित सवाल कर सकेंगे। पंचायत की बैठकों में उनके सवालों का उत्तर दिया जाएगा। इससे पंचायती राज व्यवस्था और सशक्त होगी। कौन कौन विषय से संबंधित सवाल किए जाएंगे, इसको लेकर विभाग दिशा निर्देश जारी करेगा। तो एक तरह से कह लें कि पूरे देश में या फिर प्रदेश में जिस तरह से 3 स्तर की सरकारें काम करती है, एक लोकसभा, विधानसभा और एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था, तो जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा में सवाल पूछने का अधिकार माननीय सदस्यों को होता है, उसी तरह से जो है अब सवाल पूछने का अधिकार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में भी करने की बात कही गई है, जिससे कि प्रदेश में चल रहे, पंचायतों में चल रहे कार्य योजनाओं के बारे में आम लोगों तक जानकारी पहुंच सके और कार्य जो है सही समय तक हो सके। ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।